नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं विरोनिका। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान मोका की चर्चा चल रही है। तो ताजा जानकारी के मुताबिक मोका रविवार को म्यांमार यानी बर्मा और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से गुजर गया। तूफान के दौरान 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश के साथ तेज हवाएं चली। आपको बता दूं, समुन्द्र में 12 फुट तक ऊंची ऊंची लहरें उठी। इसकी वजह से म्यांमार में 3 मौतें भी हुई। हालांकि 2.5-3 घंटे के बाद ये तूफान धीमा भी पड़ गया। तूफान के डर से भारत के वेस्ट बंगाल के 2 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि कोलकाता से पोर्ट बेलेरियर जाने वाली फ्लाइट को तूफान के चलते यूटर्न लेना पड़ा। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो वहां तटीय इलाकों से टकराते समय मोका की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। हवा की रफ्तार ने घरों की छतें उड़ा दी, पेड़ उखाड़ कर गिर गए, सड़कों पर पानी भर गया। तूफान के चलते 5 लाख लोगों को तटीय यानी समुन्दर के किनारे से हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि तूफान काफी खतरनाक है और इसे कैटेगरी 5 का साइक्लोन बताया गया था। ये सुपर साइक्लोन मोका बांग्लादेश और म्यांमार को बांटने वाली नदी नाफ के जरिए आगे की ओर बढ़ा। साथ ही आपको बता दूं, म्यांमार के रखाइन प्रांत के सीतवे सिटी के पास जा टकराया। हालांकि वहां बसे लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पहले से ही हटा दिया गया था। वहां हजारों लोगों ने बौद्ध मठों, पगोडों और स्कूलों में शरण लिया हुआ है। हालांकि अगर बांग्लादेश की बात करें, तो तूफान सेंट मार्टिन द्वीप और चेकनॉफ बाजार से गुजरा। इस दौरान वहां तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर काउंसिल बाजार से भी टकराया। 10,000 से भी ज्यादा शरणार्थी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में मोका चक्रवात के लिए अलर्ट पर है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए दक्षिण 24 परगना में बखाली समुद्र तट पर नागरिक सुरक्षा टीमों को तैनात किया गया है। नागरिक सुरक्षा टीम लगातार लोगों को सतर्क रहने और पर्यटकों को समुद्र के करीब जाने से रोक रही हैं। साथ ही आपको बता दूं, एनडीआरएफ ने 8 टीम और 800 बचाव कर्मियों को तैनात किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान मोका एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। आज तटीय इलाकों में इस चक्रवात की वजह से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया। मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण पूर्व में चक्रवाती तूफान मोचा भीषण तूफान में बदल गया है। आपदा प्रबंधक बल के जवानों को पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी की वजह से तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्वा मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों के तटीय इलाके हाई अलर्ट पर हैं। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि गोताखोरों सहित एनडीआरएफ की टीमों के साथ दीर्घा मंदारमणि तटीय इलाके भी अलर्ट पर हैं। साथ ही विभाग ने लोगों को समुद्र के पास न जाने के लिए नियम जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दूं, मोचा तूफान की वजह से बिहार, खासकर उत्तरी बिहार में हवा की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है। हालांकि दक्षिण बिहार में पारा गर्म रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमें फॉलो करना, साथ ही हमारी और वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।